जूस है बीटरूट और कैरेट का। फेवरेट जूस है मेरा। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? ऐसा जूस किसी ने नहीं पिलाया मुझे कभी। तू इतना अच्छा मत बन यार, मुझे बुरा लग रहा है। मैंने तुझे हर्ट किया, फिर भी तू मेरे लिए इमोशनल हो रहा है। अब ना मुझे गिल्टी फील हो रहा है। अब गिल्टी फील हो रही है? नो हो, अब जाके मतलब और भी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है। बिकॉज यू नो व्हाट, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं थी। और ये रिवर्स गियर कहाँ होता है स्कूटी में, फिर भी तेरे को इतना गंदा हिट हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है यार, आई एम फीलिंग वेरी। मैं भी इसी बात के भरोसे खड़ा था पीछे जा करके। मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि ऐसा होगा मेरे साथ। हेलो, तुझे बहुत गंदी लगी है। अब क्या बताऊं कन्नू, बॉडी में कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं ना जो नाजुक होते हैं, उनको टच नहीं करना चाहिए, बट चोट लगी कन्नू। आई एम सॉरी यार, पर यार तूने तो बड़ा सारा प्रोटेक्शन पहना हुआ था, हेलमेट पैड ग्लव्स वगैरह वगैरह, पर तुझे इतनी गंदी कैसे चोट लग गई? मतलब किस्मत की लक इतनी स्ट्रांग है ना कि एक एल कार्ड छोड़ा था मैंने बस। ओप्स, फिर तो बैंड बजनी थी ना। पर क्यों नहीं पहना तूने? प्लान था मेरा, टेबल पे रखा भी था निकाल के। पता नहीं कैसी दुनिया, कैसे लीचर लोग हैं यार, मतलब किसी दूसरे का एल गार्ड तक नहीं छोड़ते यार। अरे लोन। अरे पापा। हाय अंकल। इस ओके लोंडे बादाम का। मेरा एल गार्ड। अरे खाली यार, कैसी बातें कर रहा है, देख मैं कटोरी लाऊं। क्या अच्छी बनावट है कटोरी की, देख रहा है? खाले, कहाँ मिली है कटोरी? अरे लाई होगी मम्मी तेरी। हाँ खाले खाले खाले। नहीं, मैंने जूस पी लिया, आप खा लो। बेटा खाई? नहीं नहीं, थैंक यू। तेरा दिमाग फिर गया है? इतनी सीरियस बात को तू मजाक समझ रही है? कौन सी सीरियस बात पापा? अरे यही कि नन्हे बिजली और उनका लड़का तीनों सांप है। ओ, ये सीरियस बात है? तू क्या जोक समझ रही है ये? पापा, 21st सेंचुरी की लड़की को आप ये इच्छाधारी नाग नागिन के बारे में बताएंगे तो बहुत बड़ा जोक ही लगी की बात है ना? ये मजाक नहीं है। ये भीरे, अगर उन लोगों ने सुन लिया ना तो ऐसा ढसेंगे कि पानी भी नहीं मांग पाओगे। सॉरी। देख बेटा, हर बात मजाक में लेना ना कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। पापा प्लीज यार, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट प्लीज। अरे लेकिन जो सीन हमने अपनी आंखों से देखा ना, वही सीन तो अपनी आंखों से देख लेती ना तो यकीनन अपने नाना के घर भाग जाती। आपने बिजली आंटी और नन्हे अंकल को ही देखा था ना? अरे हाँ, कितनी बार बताएं बेटा तुझे। हाँ, तो हो सकता है ना कि अंकल आंटी हो ये नाग और नागिन, लेकिन उनका बेटा नहीं, नहीं वो इस सांप बाप नहीं हो सकता। प्लीज, तूने सांपों पर रिसर्च कर रखी है क्या? नहीं। तो फिर इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती है कि वो लड़का सांप ना है? अरे उसके हाव भाव से लगता है कि वो सांप नहीं है। नगीना फिल्म की हीरोइन को देख के लगा था कि वो नागिन है। मम्मी पापा का दिमाग खिसक गया, इन्हें जल्दी से साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओ, प्लीज शिफ्ट हिम देयर। मेरी बेटी हो सकती नहीं है कि मनोज ने। ठीक है, रोना बंद करो यार, ले लूंगी टेस्ट उसका। कैसे? बंटी से ना बीन बजवाते हैं और जीजा जरा सा भी थरका तो समझ जाएंगे कि वो सपोला है। बजाऊं? चुप रहे। आ!
सेठ जी बजाऊं का? बस गाड़ी की रिपेयरिंग शुरू कहाँ करूं और फिनिश कहाँ करूं? ये तो कतई क्रिटिकल कंडीशन में है ये, इसकी रिपेयरिंग में तो मेरा दिमाग दम तोड़ देगा ना बेटे। बजाऊं का? अरे यार यहाँ बारात की चढ़त नहीं हो रही है, जो बीन बजाने के लिए उतावला हो रहा है। चुप बैठ। अरे एक मिनट चुप रहेंगे पापा, लेट मी ऑब्जर्व हिम ना, फिर मैं बताऊंगी कि बजाने कब है बीन। तुम औरत निकालेगी क्या? सीरियसली अबे भैया ये क्या कबाड़ा छोड़ गया तू यहाँ पे? सुन नहीं सुन 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 मेरी बात सुन, ये मुझसे ना हो पाएगा बेटे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मेरी सलाह मान, इसको कबाड़ी वाली को बेच, उसमें थोड़े और पैसे जोड़ और ब्रांड न्यू साइकिल ले बेटे। बंटी नाउ ओके। बेटे मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना, इस खटारा को ब्रांड न्यू बना के दूं। एक सेकंड यार, कौन सा सपेरा पैदा हो गया यहाँ पे? अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा है यार, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये पिद्दी सी छिपकली मेरे जैसे ब्रेव बॉय को डांस करा के छोड़ दिया। अरे क्या हुआ, आप कुछ बोलेगी भी? देख नहीं रही है, बच्ची कितनी शौक में है। सिपी 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 तू क्यों चीख रही है? क्या हुआ? आप लोग सही कह रहे थे, वो सब बोले। देखा बेटा, और तुझे मेरी बातें सारी फिल्मी लग रही थी। नहीं, पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने बचपन से जीजा को देखा है, वो तो नहीं लगता सपोले जैसा। तो बेटा मैं भी तो बचपन से नन्ने को देखता आ रहा हूँ, मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे क्या मालूम था कि वो नाग है। अब बता, तूने तो टेस्ट भी किया है। हाँ, और वो नाचा भी। अब तो कोई शक वाली गुंजाइश ही नहीं है। पर ऐसा थोड़ी ना होता है यार। कैसा होता है? अब देख, नाग और सपोले का जो ऑर्केस्ट्रा होता है ना, वो बीन होती है। और बीन परी तो वो नाचते हैं। पर किस किताब में लिखा है कि सिर्फ सांप ही बीन पे नाच सकते हैं? हाँ, मैं भी नाच सकती हूँ। अरे तो फालतू की बकवास मत कर, बीन पर सिर्फ सांप नाच सकते हैं। अगर बीन पे सिर्फ सांप ही नाचते हैं तो इंसान बीन क्यों बजाते हैं? अरे ताकि वो सांप को नचा सके। ओह गॉड, अगर बीन सांपों की प्रॉपर्टी है तो मतलब सांप खुद ही बजा लेना जाके। अरे बेटा सांप कैसे बजाएगा खुद बीन? अरे जैसे नाच सकते हैं वैसे खुद बजा भी तो सकते हैं ना। तो फालतू की बकवास मत कर तू मेरे साथ। देखो मुझे यकीन नहीं आ रहा है अभी तक, हम लोग ना रात को फिर से कंफर्म करते हैं। हाँ देखो, अगर जीजा सपोला है ना तो वो जरूर ना सांप बन कहीं सोता होगा रात को। क्यों रिस्क ले रही है बेटा, तू ये बता कहीं काट वाट लिया तो? अरे डोंट वरी, कोई रिस्क नहीं है, पर हम रात उससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, कोई बात
दीदी मुझे देख के तुम क्यों चीखी? वो अचानक से सांप आ गई ना दीदी। सांप आई? मतलब आप आ गई ना दीदी। नमस्ते सापिन जी। नमस्ते भाभी जी। क्या बात है जल्दी जी, आपके भाभी में बहुत भा 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 आ रहा है। हाँ अंकल नहीं आया आंटी। हाँ नानू ना वो चूहे को दबोचे बैठा है। चूहे को क्यों दबोचे बैठा है वो? क्योंकि चूहा जो है वो बहुत बड़ा और मोटा है और वो नानू को कई बार उठा के पटक चुका है। चूहा है या हाथी है? नहीं नहीं चूहा ही है। एक्चुअली क्या है ना कि नानू ना उस पे जैसे ही झपटता है ना चूहा सर से नीचे से सरक जाता है और नानू गिर जाता है। वो तो पहले से ही गिरा हुआ है। सॉरी भाभी जी मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हाँ वो आप लोगों के पास वो है क्या वो चूहेदानी माउस ट्रैप? हाँ मैं लेके आती हूँ। भाभी जी क्या बात है जल्दी जी, आपके बैठने में भी बहुत बै 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 आ रहा है। वैसे भाभी जी क्या है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी एक फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे चूहे मोटे मोटे। अच्छा। उसके पास ना एक चूहे पकड़ने की मशीन है, उसमें एक साथ बहुत सारे चूहे पकड़ लेता है। अगर आप कहें तो मैं अपने दोस्त से बात करूं। अरे वाह नेकी और पूछ पूछ। ठीक है मैं बात करता हूँ उससे। हाँ बात कीजिए, फिलहाल तो छोटे से चूहेदानी से ही काम चलाना पड़ेगा। आज आप कितने चूहे पकड़ने वाली हैं दीदी? हाँ जितने हाथ लग जाएंगे दीदी। ये ली चांटी। ये लो। ओहो ये तो बहुत ही छोटा है, इसे तो कुछ भी नहीं होगा। बट एनीवेज थैंक यू दीदी। बाय बाय दीदी। बाय बाय दीदी। मुझे लग रहा है आज इनका चूहों का डिनर होगा। वो तो आज रात को ही पता चलेगा। हम लोग ना रात को फिर से कंफर्म करते हैं। देखो अगर जीजा सपोला है ना तो वो जरूर ना सांप बन के ही सोता होगा रात को। गाड़ी तेरे ऊपर गिर गई तो? अरे कन्नू तू क्यों अपनी मीठी आवाज में ऐसी मनहूस डरावनी बातें कर रही है तू? नो मैं तो जनरली पूछ रही थी यार। आई मीन तेरी जॉब इतनी रिस्की है, मेरी स्कूटी ठीक करते करते भी तुझे कितनी बार हर्ट हो गया ना, और फिर मैंने तुझे ऐसे गाड़ी के अंदर घुसे हुए देखा तो मैं डर गई थी, इसलिए मैंने तुझसे पूछ लिया। ख्याल आया मुझे यू नो, आई एम सॉरी इफ यू फेल बैड, आई एम रियली सॉरी। सॉरी मत बोल, तूने अपने दिल की बात मुझसे कही, ये बहुत अच्छा लगा। रिस्क का तो ये है कन्नू कि गाड़ी गिर भी जाए तो क्या होगा, कचूमर बन जाएगा मेरा। पर गरीब आदमी छह वक्त की रोटी के लिए अगर रिस्क भी ना उठाए। ओए कोई गरीब गरीब नहीं है तू, बल्कि बहुत जल्द तेरी सोने की खाने होंगी। सोने की नहीं, फिलहाल तो इनकी रोने की खाने है। जबान को लगाम दे गुल्लू। क्या गलत बोल रही हूँ मैं? अरे छोड़ ना यार, नौकर के मुंह मत लग, अगर उसने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो तेरी चॉप हो जाएगी।
से एक बात है गन्नू, तू केयर बहुत करती है मेरी। करूंगी ना, क्योंकि तू मेरा। मैं तेरा। मैं तेरा क्या? पड़ोसी है। ले लो। और यहाँ बिलोटे ख्वाब में चिचड़े पाले बैठी थी। क्या कहना चाहता है? नहीं मैडम कुछ नहीं, समझने वाले समझ गए और जो नहीं समझे वो नन्हे के लौंडे हैं। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ ये धोबी को कपड़े देने। और आज रात को ना मैं अपने नौकर दोस्तों के साथ मैं गम गलत करूँगा। काफी फनी फैमिली यार तेरी। आजकल के जमाने में कन्नू फन जहाँ से मिल जाए ना लपेट लेना चाहिए। तो आना थोड़ा फन करते हैं। हाँ तो मैं तो तैयार हूँ, जैसा बताओ। ग्रेट, तो एक काम कर, डिनर के बाद घिस्सू की आइसक्रीम खाने चलते हैं। हाँ ठीक है डन। घिस्सू की आइसक्रीम तो बचपन से मेरी फेवरेट रही है। तुझे पता जब मैं घिस घिस के चलता था ना घुटनों पे, तब से खाता आ रही हूँ उसकी आइसक्रीम। तो कितने बजे निकले हम लोग साथ में? नहीं नहीं तू अकेले ही निकलना यहाँ से, और 10:30 बजे तक पहुँच जाना। मैं ना अभी अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, तो वहाँ से मैं तुझे मिलती हूँ डायरेक्टली। ठीक है 10:30, लेट मत होना, है ना? ठीक है चल बाय। ड्रॉप कर दूँ? नहीं नहीं थैंक यू, ओके बाय। बाय मत बोल कन्नू, इट हर्ट्स। आती हूँ। नानू अरे झल्लू थोड़ा डस ले यार। नानू प्लीज यार। अब शर्मा क्यों रही है यार, तेरा खसम हूं मैं। औलाद के लिए क्या क्या करना पड़ता है नानू, मतलब मुझे शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है। क्या कैसी बातें कर रही है, इसमें शर्मिंदा वाली कौन सी बात है यार। अबे लौंडा है मेरा, अबे अपने लौंडे के लिए ना मैं सांप क्या, मैं तो व्हेल मछली बन जाऊंगा यार। ओ हेलो, जो भी बना है ना पंडित जी से पूछ के बनो। अरे हाँ यार सही बोल रही है, उसने कहा फोन कर लियो काम की बात, अभी कर रहा हूँ, लग गया अभी कर रहा हूँ। हाँ पंडित जी, नहीं जो बताया आपने हमने सब कुछ कर लिया वो। गुड, पंडित खुश हुआ। अब क्या करना है? सबर कर ले। क्या कर लूँ? अरे भाई सबर कर ले, बता रहा हूँ। हाँ हाँ सबर कर रहे। तेरे लौंडे का नाम क्या है? जीजा। मैं कब से तेरा जीजा बन गया? पंडित पंडित जी आप नहीं, नहीं मेरे लौंडे का नाम जीजा है। पंडित जी कंफ्यूज हो गए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, नहा लिया? नहीं अभी लुगाई नहा के आई है, क्रीम लगा रही है। अबे मैं तेरी लुगाई पुगाई की बात नहीं कर रहा, तू नहा लिया क्या? सुन नहा ले, उसके बाद एक मंत्र भेज रहा हूँ, 10 बार पढ़ना लाभ होगा। कौन सा मंत्र? हाँ आग बंद करके फुस 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 पढ़ना ये 10 बार, फिर देख। ठीक है पंडित जी 8 बार ना? ठीक है हाँ हाँ चल भी, मैं नहाने जा रहा हूँ। एक मिनट रुको, पानी नहीं है, मैं नहा ली ना। अबे तो मैं कैसे नहाऊंगा यार। एक काम कर लो, दुश्मन पड़ोसी से 2 बाल्टी पानी मांग लेना सीज फायर करके। मैं खुद भिखारी है, उससे क्या मांगूंगा मैं उसी के बाथरूम में नहा के आता हूँ। देख ए रुको, क्यों कर रहे हो ऐसा? हाँ क्यों झगड़ा झगड़ा कर रहे हो? अबे लौंडे का मामला है, फिलहाल लौंडा दिख रहा है मुझे, मेरी बात को बातें कर रही है। पंडित जी ने मंत्र बोला है, खुश खुश वो बोलना है, जा रहे नाने बातें कर रही थी यार। हेलो जोरावर भैया। जोरावर भैया तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ अरे मैं क्या कह रही हूँ आप।
दिमाग ठिकाने पे तेरा? मैं अपने भाई से तो बात कर रही हूँ, किसी अरे गहरे से थोड़ी ना बात कर रही हूँ। हाँ मुझे पता है तू अपने डकैत भैया से बात कर रही है। वैसे ये दुश्मन पड़ोसियों ने जो है जीना हराम कर रखा है, तू एक ब्यादा और बुला ले। मैं कहाँ बुला रही हूँ उनको? हाँ कहाँ बुला रही, जैसे तू कह रही थी ना अपने डकैत भैया से, भैया मैं तुम्हें बड़ा मिस कर रही हूँ, वो कमबख्त दौड़ा दौड़ा चला आएगा यहाँ पे। बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हें मेरे मायके वालों से? हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों ये समझ ले उन लोगों के ऊपर जो उनके दामन पे जो लगे हैं ना चोरी और डकैतियों के जिद्दी दाग, इस वजह से है प्रॉब्लम। मगो एक चक्राल ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, वो भी मैंने पढ़ाया उसे, मैंने संस्कार दिए इसलिए है। अच्छा आज बड़ा धन्ना सेठ नहीं बन रहे हो तुम? क्या धन्ना सेठ, क्या बताओ, मेरा दिमाग जो है बहुत खराब हो रखा है इन पड़ोसियों की वजह से, सच बता रहा हूँ कहीं का गुस्सा कहीं निकलना है। देखो ऐसा है, कहीं का गुस्सा अगर मुझ पर या मेरे भाइयों पे निकाला ना तो तुम्हारे फेफड़े तोड़ लूंगी। मैं नाने जा रहा हूं। सुन, ये राहु काल और सर्वदोष की वजह से ना पता नहीं क्यों कैसा लग रहा है, मेरा मन ना बहुत अजीब सा हो रहा है, पता है तुझे? बहुत जल्दी। हाँ For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.